हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आम की कलौंजी या आम का गुड़म्बा जिसे कहते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें राई डाली है। अभी हम इसको अच्छे से चटकने तक इसको फ्राई करेंगे, और टेस्ट के लिए, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए, इसमें हमने 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सौंफ डाली है। इसको हल्का सा सौते से करना है तेल में। उसके बाद हम इसमें जो हमने मैंने रॉ मैंगो यानी कि कच्चे आम, 250 ग्राम कच्चे आम जो काट कर रखे हैं, वो हम अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का हल्का सौते करेंगे। इसमें हल्का सा हमें इसको भूनना है, तेल में सौते करना है। उसके बाद हम इसमें इसको गलाने के लिए, ताकि जल्दी से गल जाए, इसके लिए मैं इसमें लगभग लगभग 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट में हमें इसमें कम डालना है क्योंकि हम बाद में इसमें काला नमक का यूज़ भी करेंगे। तो अभी ये सौते हो रही है तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालने वाली हूँ। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ, ये मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट हमें अभी 1/2 टीस्पून ही डालना है। अब हम इसको सौते करेंगे और इसको इस अमियाँ गलने तक, यानी कि रॉ मैंगो जब तक पक नहीं जाता तब तक हम इसको ढक करके पकाएंगे। और इसमें मैंने इसके लिए गलाने के लिए मैंने 1 कप इसमें पानी का यूज़ किया है। 1 कप वाटर हमें इसमें डालना है ताकि अमियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। ये मैंने इसमें 1 कप पानी का यूज़ किया है ताकि ये अच्छे से अमियाँ गल जाएँ। अब हमें इसको ढक कर के पकाना है, लगभग 5 से 7 मिनट हमें इसको ढक कर पकाना है। ये कच्चे आम है, ये वाले आम जल्दी ही गल जाते हैं। अब हमें इसको ढक कर के पकाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा चैनल नया है तो मैं आपके साथ अभी मैंने न्यू न्यू रेसिपी शेयर करनी शुरू करी है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, हमारी आम जो है वो गल गए हैं। मैं इसे स्पून से दबाकर देख रही हूँ तो ये आराम से कट रहे हैं, गल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, ताकि कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा तीखा खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है इसका। उसके बाद हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला है, और उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, ऐड किया है गरम मसाला। इसके बाद जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिससे मीठा टेस्ट आएगा, तो मैंने इसके लिए गुड़ की शक्कर ली है, 100 ग्राम गुड़ की शक्कर है। अगर आपके पास गुड़ है घर पर तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, और चीनी है तो चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं आप। मेरे पास इस समय गुड़ था तो मैंने गुड़ का यूज़ किया। इसको अब मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे पकने में। देखिए, हमारी जो है ये कलौंजी पक कर तैयार हो गई है, आम की कलौंजी। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, मैं इसको सर्व, फ्रेंड्स मेरा चैनल नया है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि उससे आपको मेरी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं वही रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो इस समय आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। कल ही मैंने इसमें होममेड मोज़ेरेला चीज़ की रेसिपी भी शेयर करी, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी रेसिपीज़ को शेयर करना और लाइक करना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है, इससे मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं, तो मैं और रेसिपीज़ नई नई आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।